अच्छा, ये आईपीओ के समय आपको मुनाफा तो हो रहा है आपको? जी, तो मुनाफा तो हो रहा है आपको, अब इसे लेकिन देखिए होल्ड करना स्टॉक में चाहिए या कुछ समय सेल करना में चाहिए, क्योंकि थोड़ी गिरावट। जी क्या करना चाहिए, रोलेक्स स्विंग अभी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और इनको आईपीओ के समय अलॉट हुआ था। लकीली काफी अच्छा मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है। स्टॉक इस वक्त देखेंगे तो 1470 के पास कारोबार कर रहा है। जानना चाह रहे हैं मुनाफा लेके निकल जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए स्टॉक में? मुझे रोलेक्स रिंग्स बेसिकली एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और बेसिकली जो पेरेंट कंपनीज इंडिया में है जैसे कि एसकेएफ है, टिक्कन है, ये सारी कंपनीज को ये कस्टम एक केटर करते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली बेरिंग रिंग है, जो एक बड़ा इनपुट होता है पूरे बॉल बेरिंग में, और ये काफी बड़े वेंडर है इन सारी कंपनीज को। और सबसे बड़ी बात, अभी इनको एक बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक वेंडर का ऑर्डर भी मिला है जो इस साल ये इंप्लीमेंट करेंगे। और Q4 के अगर हम नतीजे देखें और मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें तो बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स रोलेक्स रिंग्स के आ गए। तो मेरा तो मानना है कि अगर ये कम से कम और एक साल स्टॉक में टाइम फ्रेम रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से इस लेवल से भी काफी अच्छी अपसाइड मिलेगी। स्टॉक थोड़ा रिजल्ट्स के बाद काफी भाग चुका है, तो शायद आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली आप देख रहे हो, लेकिन फंडामेंटली बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। ऑटो सेक्टर अभी वापस ग्रीन शूट दिखा रही है और इसका फायदा इस कंपनी को जरूर मिलेगा, क्योंकि बेरिंग कंपनीज का भी आउटलुक है वो डिपेंड डिपेंड करता है कि ऑटो सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो नेट नेट यहाँ पे होल्ड करिए, और मेरे ख्याल से साल भर अगर आप रखते हो तो इस लेवल से भी बहुत अच्छी कमाई आपको मिल सकती है।